सोलन जिला के धर्मपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के फोन टैपिंग के आरोप के बारे में कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भाजपा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित की बात करती है, लेकिन कांग्रेस उनसे सबूत मांगती है। साथ ही उन्होंने जनसभा के दौरान सभी से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। मोदी जी ने 5 साल में काम किया, जन के साथ काम किया है, देश को एक दिशा दी है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मोदी जी से, जो आने वाले समय में पूरी होंगी। नजर तो हम ऐसे सामने रखते हैं, लेकिन जिस नजर का वो जिक्र कर रहे हैं उस प्रकार का कोई नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता है। और यहाँ फोन टैपिंग की तो सवाल गुंजाइश बनती ही नहीं है, लेकिन नजर रखने की भी बात जो है वो इस प्रकार की नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और मुझे मालूम नहीं कि कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे खत्म हो गए फिर ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू। शर्मा कह रहे हैं कि आज अगर आप मुख्यमंत्री बने तो सुखराम जी की वजह से बने, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी इस चुनाव में। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।